अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GH न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। IPL के हिंदी कमेंट्री के लिए भमरपुर के अभिषेक मिश्र सोनू का चयन। नौगछिया नारायणपुर प्रखंड के भमरपुर के अभिषेक मिश्र सोनू का चयन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के हिंदी कमेंट्री के लिए किया गया, जिसके जरिए अभिषेक देश दुनिया में अपना परचम लहराएगा। 19 वर्षीय अभिषेक ने बताया कि कमेंट्री को स्पोर्ट्स फ्लैशेज के ऑफिशियल ऐप और यूट्यूब पे पूरे विश्व के किसी भी देश के श्रोता सुन सकेंगे। और अभिषेक का कहना है कि पहली बार मिले इतने बड़े मौके को भुनाने के लिए ही पूरी कोशिश करेंगे। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर कसा शिकंजा, कहा इनको सब काम और वादे चुनाव के समय ही याद आते हैं, बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा है कि 2014 के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा का वादा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया गया, आज चुनाव के वक्त फिर पुनः 5 वर्ष बाद पैकेजिंग हो रही है। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, इनको सब काम और वर्षों के वादे चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव जाते ही भूल जाते हैं। 5 महीने बाद खुलेंगे कोचिंग संस्थान, 30% बच्चे पहुंचेंगे। भागलपुर के स्कूल कॉलेज तो नहीं खुल रहे, लेकिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो गई है। सोमवार को शहर के सभी कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। कोरोना की वजह से कोचिंग संस्थान में पढ़ाई का समय सुबह 8 से 11, शाम 3 से 6 रखा गया है। पहले चरण में 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की पढ़ाई शुरू होगी। शहर में 150 के करीब कोचिंग संस्थान हैं, इसमें 15,000 से करीब छात्र छात्राएं नामांकित हैं। पहले दिन 30% बच्चे पढ़ाई करने पहुंचे, 5 महीने बाद संस्थान पहुंचे छात्र छात्राएं काफी खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व बिहार और कोशी को दिए एक और बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फिर एक बार भागलपुर और कोशी को एक और बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमोट दबाकर भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर और कोशी के फुलौत में 4-लेन पुल का निर्माण का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि दोनों पुल बनने के पूर्व बिहार और कोशी सीमांचल के लोगों को काफी सहूलियत होगी। हर सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम चल रहा है। पीएम ने 14,258 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हर गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पीएम ने फाइबर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा दोनों से तो बनने के कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों के हक में यह काम हुआ है। कोरोना सुरक्षा कवच के साथ दिल्ली रवाना हुए पैसेंजर। भागलपुर दिल्ली कोविड स्पेशल के यात्री कोरोना सुरक्षा कवच के साथ रवाना हुए। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से RPF GRPF जवानों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया गया। जनरल स्लीपर और AC में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क दिए गए। इस दौरान यात्रियों से सफर के दौरान शारीरिक दूरी बनाकर बैठने की अपील की गई। कोरोना से बचाव के लिए सभी को पंपलेट दिए गए। हालांकि कोच में बैठे यात्री पहले से ही घर से मास्क पहनकर आते थे। LGP अध्यक्ष चिराग ने पीएम मोदी को इस वजह से साथ खड़े रहने के लिए दिया धन्यवाद, कही ये बातें। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की इन दिनों तबीयत खराब है और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत को लेकर चिंतित उनके बेटे जमुई सांसद और LGP अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पिता के बारे में हालचाल पूछने और इस मौके पर साथ खड़े रहने के लिए उनका धन्यवाद किया है।
कोसी बगजान तटबंध दयालपुर और चोड़हर के पास भी ध्वस्त। कोसी बगजान तटबंध में कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार देर शाम बिहपुर कहारपुर गांव में टूटे तटबंध को अभी दुरुस्त भी नहीं किया गया था कि रविवार को दयालपुर और खड़ी के चोड़हर पंचायत स्थित मैरचा घाट महेशपुर मदन के पास भी यह दो तीन जगह ध्वस्त हो गया। सोमवार को भी स्थिति यथावत बनी हुई है। कोसी नदी में पानी से लोग दहशत में आ गए हैं। इधर कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण नदियों का जलस्तर भी काफी GLNMCH में 7 घंटे के अंदर 4 कोरोना मरीज की मौत। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सक महाविद्यालय अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को भी 7 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई। इसमें भागलपुर जिले के 2 और बांका एवं साहिबगंज झारखंड के एक एक मरीज शामिल है। रामविलास पासवान ICU में भर्ती। चिराग ने LJP नेताओं को लिखी मार्मिक चिट्ठी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत अधिक बिगड़ गई है। इन दिनों वह दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में ICU में भर्ती हैं। उन्हें छोड़कर बिहार आना बेटे चिराग पासवान के लिए अब संभव नहीं है। अपनी मजबूरी बयां करते हुए LJP सुप्रीमो चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं को मार्मिक चिट्ठी लिखी है। खुशखबरी, 8 नवंबर को दरभंगा से उड़ान भरेगा स्पाइस जेट का पहला यात्री विमान। दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार के लोगों का एक सपना सच होने जा रहा है। यहां के विद्यापति टर्मिनल के 8 नवंबर से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। विमान कंपनी स्पाइस जेट ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है। यहां से दरभंगा दिल्ली, दरभंगा बेंगलुरु और दरभंगा मुंबई के लिए यात्री विमान से चलेंगे। इसके साथ विभिन्न प्रदेश व अन्य जगहों पर रह रहे मिथिला के लोगों ने टिकट की बुकिंग करना शुरू कर दिया है। लोगों में टिकट बुकिंग को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295 830 773, 93043 67 170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।